साउथ अफ्रीका की, डिसइंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ यू नो बॉलिंग, टॉस हार गए तो मोरल डाउन हो गया उनका। फिर उनका ये देखें कि उन बैटिंग अच्छी की, क्विंटन डीकॉक जो मुझे लगा कि एक अच्छे बैट्समैन है, और रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम करते हुए आए हैं बात, तो उनके फास्ट बॉलर भी कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर, साथ में स्पिनर्स भी कर रहे हैं, तो और आपको क्या चाहिए? जहाँ बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, हर टीम के बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो नया बॉल और पुराना बॉल इस वक्त इंडिया के बॉलर्स कर रहे हैं वो किसी और टीम के, वो वैरायटी, वो क्वालिटी नजर नहीं आई। बिल्कुल। कल इंडिया अपना पहला मैच हारेगा इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका प्रोटियाज रेनबो नेशन आपको हराएंगे, मैं भी यहाँ हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अफ्रीका जीत जाएगा, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, वो इंडिया को टफ देगा, इंशाल्लाह वो विन कर जाएंगे, और पहली हार ही इंडिया को ना अफ्रीका ही देगी इंशाल्लाह। कि इंडिया जो है वो अपने घर में खुद फील्ड बना के खेलता है, और वो उसका ख्वाब यही है कि मेरे घर में मैच हो रहा है तो सारे मैच मैं ही जीतूं, क्लीन स्वीप करूं, और जो है उनका दो नंबरी करने का तरीका है। आई एम सॉरी इंडियन फैंस, ये देखे मेरे हाथ है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, माफ़ चाहता हूँ, अपोलॉजीज मेरी। और पता नहीं ड्यू कब पड़ती है, जब पड़ेगी वो देखेंगे, 20 ओवरों का गेम है, पहले एक दायरे या दूसरे दायरे से खत्म जब गेम होता है वो हिंदुस्तान बता देगा। जिस हिंदुस्तान बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ वही उसकी आधी बॉलिंग आज कर दी उन्होंने, इतनी अच्छी नहीं जितनी पिछली। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज क्रिकेट से आ रही है सबसे बड़ी खबर, और आज इंडिया हो गया है दुनिया की नंबर वन टीम। यहाँ आज बात करें तो पॉइंट टेबल में नंबर वन जो पोजीशन है उसे यहाँ पक्का कर लिया आज इंडिया ने, और अब ये सुनिश्चित कर दिया है कि इंडिया आज नंबर वन ही फिनिश करेगी इस वर्ल्ड कप में। सबसे बड़ा जो रोड़ा था, जो नंबर टू की टीम थी साउथ अफ्रीका, उसको एक तरफा मैच में हराया, और पहले तो 326 रन पहले बैटिंग करते हुए बनाए, उसके बाद 83 रनों पर मात्र ऑल आउट कर दिया टीम को, और 243 रनों से मैच को जीत लिया। तो ये है इंडियन टीम, और इंडियन टीम ने एक तरफा हराया साउथ अफ्रीका को, जैसे श्रीलंका और इंग्लैंड को हराया था, तो ये देखने को मिल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रही है, आइए देखते हैं इस वीडियो को। और पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह की से भड़की हुई अपनी टीम पे, इंडिया इतना अच्छा क्रिकेट क्यों खेल रहा है और हम लोग इतना अच्छा क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो को। तो नहीं गया ये मैच, मतलब क्लोज था यार, 100 के करीब करीब कोशिश की साउथ अफ्रीका ने करने की, लेकिन यार क्या हो रहा है मुझे पहले ये बताओ क्या हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। श्योर भाई, ऐसे नहीं लग रहा कि ये वर्ल्ड कप की बजाय एशियन गेम्स हो गए हैं इंडिया के लिए। नहीं नहीं नहीं, एशियन गेम भी नहीं यार, हिंदुस्तानी गेम चल रहा है यहाँ पे सर टोटल। बाकी तो वैसे ही घूमने फिरने आए हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है यार ये बताओ तो सही, मुझे तो भी समझाओ वो क्या रहा है। मुझे लगता है रिव्यू सिस्टम ना वो भी ठीक नहीं है आपका, वो भी बॉल विकेट भी नहीं लग रहा था, वो मेरे ख्याल में जान के आउट देती है। बॉल जो सीम कर रहा था बुमराह का, मुझे उसमें कुछ शक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है, अफगानिस्तान भी है, और उसमें पाकिस्तान भी है, इनका भी चांसेस कहीं ना कहीं लगे हुए। तो श्रीलंका की जीत के बाद लोगों के अंदर जो एतमाद उठता हुआ नजर आ रहा था कि यार श्रीलंका हमेशा यही करता है कि इंडिया के अगेंस्ट जो है ना बड़ी नपी तुली जो है ना वो परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करता है, यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका देखने, मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो कलकत्ता का ख्वाब देख के बैठे हुए ना सेमीफाइनल का, वो ये देख लें साउथ अफ्रीका की 243 रन से शिकस्त है, ये जहन में रखिएगा आप यहाँ पर। और कल कोई बता रहा था कि 254 भी विराट रोहित शर्मा ने वही मारे में, 264 श्रीलंका पर। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी और पे ना मार दे 264, अभी तक ये कोशिश नहीं कर रहा 100 मारने की। अगर कोई बड़ा मैच लग गया ठीक है, किसी का घंटा बजाना पड़ गया रोहित शर्मा को, तो फिर ये ना आगे की बात है, आगे नहीं, अभी तो कुछ लोग आगे आगे तो पहुंच चुके हैं ना, कुछ लोग वो छोड़े हुए हमको भागते चोर की लंगोटी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भैया तू तेरी लंगोटी भी चोरी की है, तू जो है ना ये इस तरह से आगे आगे की बातें ना करे। भारत की बिल्कुल लग नहीं रही मुझे, सराज का भी नहीं ठीक लग रहा, शामी का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फॉर्म में नहीं है क्या है, वो आउट भी नहीं कर रहा, कितने 47 आउट हो गए उसके, क्या 47 हो गए, 5 जडेजा के ले लिए, अपना कुलदीप ने भी ले लिए, अभी यार कुछ समझ नहीं आ रही भाई। अभी देखो मर्जी है, देखो मैं तो पहले भी कहा था टॉस खेल लो इस मैच के बाद, तो यही हो सकता है। ऑन अ सीरियस नोट ना बाहर जाए, सीरियस नोट कर लेते हैं जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं यार कि 5 बॉलर खेल रहे हैं हिंदुस्तान के जी,
तो साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल पे, क्या इट वुडंट बी अ बैड आइडिया टू जस्ट गो आउट देयर एंड हैव अ गुड स्ट्राइक? अगर खुदा ना खास्ता आपकी बारी आएगी दोबारा, अगर टॉस जीत के आपने दोबारा बैटिंग की, अगर आपको इजाजत मिल गई कि ये दोबारा बैटिंग करनी है आपने दूसरे एंड दूसरी इनिंग्स में, तो आप नाराज हो जाएंगे हमसे क्या? मुझे लगता है नाराज हो जाएंगे। भी चोरी की है तू जो है ना, ये इस तरह से आगे आगे की बातें ना करे। भारत साउथ अफ्रीका और सिराज बुमराह शामी खत्म, उसके बाद बैकअप पे आते हैं जडेजा और कुलदीप यादव, इसमें ऐड क्या कर लें कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। बिल्कुल अगर इंग्लैंड में होता तो स्पिनर्स की इफेक्टिवनेस कम होती, बुमराह की वही होती, शामी की और सिराज की भी वही होती, थोड़ा सा जहाँ सीम वीम आपको अवेलेबल होता। तो समझाने की बात ये होती है हमारी कि बॉस कुछ लोग मैच देख कर बात करते हैं, अंधी ताकत नहीं है, एक आध बार गलत भी हो सकते हैं, होते भी हैं, ऐसा नहीं है। पर बात यह है कि आपको अब लोग बताएंगे, हम मिड ब्रेक में कह गए 31 मिनट और कुछ सेकंड पे बताया है मैंने कि रोहित शर्मा साहब मजाकन का है। मैं क्या समझाऊंगा रोहित शर्मा को, जो 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ लोगों का कप्तान है, मैंने मजाकन कहा लेकिन बात बता दी, क्योंकि जब मैंने कह दिया तो आपको समझ आ गया कि रोहित की अंडरस्टैंडिंग भी थी। जब मैं पढ़ सकता हूं तो क्या रोहित ने नहीं पढ़ा था कि भाई इस विकेट पे जडेजा को फर्स्ट चेंज लाना है? मैंने क्या कहा था, पहली विकेट आपके लोगों ने बताई कि गिर गई, मैंने कहा अगर विकेट नहीं गिरी तो रोहित शर्मा साहब इंट्रोड्यूस करें 8 ओवर के बाद जडेजा को, जडेजा की इस विकेट पे 4-5 विकेटें दिख रही है। पे क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि 83 का स्ट्राइक रेट है? नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि जो उनका क्रेडिट है वो किंग जिस वजह से कहलाते हैं वो साबित भी कर रहे हैं। ऑल्दो के सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, वो जो एक बैट शायद पैड से लगा था, एक स्पाइस आ गया था उस पर, लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, बट कोहली की ग्रेटनेस में कोई शक ही नहीं है, जितना बड़ा वो खिलाड़ी है इसीलिए वो किंग कहलाता है। और किंग उसे ही कहलाना चाहिए जो अपनी टीम को जितवाता रहे, जो मुश्किल वक्त में आके रन्स बनाता रहे, जिसके रन्स उसकी टीम को फायदा देते रहे। तो आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों ही मिलकर इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि इंडियन टीम हमारे सामने नहीं टिकेगी, आज इंडियन टीम की ही तारीफें कर रहे हैं। तो ये रहते हैं सिर्फ ये सीजन होते हैं और व्यू लेने के लिए निकलते हैं। अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो वहाँ के लेजेंड हैं क्रिकेटर, उन आज इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और एशिया कप से पहले ये कह रहे थे कि इंडिया एशिया कप नहीं जीत पाएगा और इंडिया को पाकिस्तान एशिया कप में हराएगा। और यहाँ पाकिस्तान तो किन दिख भी नहीं रहा है वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान से भी हार चुका है पाकिस्तान, पर इंडिया किसी से भी नहीं हारा है। 8-0 से इस समय है, पूरी तरह से रूल कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट पे। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि इंडिया क्या वर्ल्ड कप इस बार जीतेगा या फिर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों।